नमस्कार, जन टीवी राजस्थान स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशीष बर्मन। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दो दिन के राजस्थान दौरे पर दिल्ली से सीधे सूरतगढ़ पहुंचे। यहां पहुंचने पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल पदयात्रा पर रवाना हुए, जहां रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पदयात्रा के दौरान राहुल किसानों से भी रूबरू हुए और उनकी आवाज को संसद तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। राहुल के दौरे को लेकर भाजपा ने कटाक्ष किया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल खुद का रोना रोने के लिए राजस्थान आए हैं, उन्हें किसानों की फिक्र नहीं है। राहुल गांधी आज से प्रदेश दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत सूरतगढ़ से हुई। राहुल के सूरतगढ़ पहुंचने पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी आगवानी की। राहुल का पार्टी पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद राहुल ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल पहले 9 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। राहुल ने गुरुद्वारा रोड से इंदिरा सर्किल तक पदयात्रा शुरू कर दी है। पदयात्रा के दौरान जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। तो आपको बता दें, राहुल गांधी आज से प्रदेश दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत उन्होंने सूरतगढ़ से की है। राहुल के सूरतगढ़ पहुंचने पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी अगवानी की। राहुल का पार्टी पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद राहुल ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल पहले दिन 9 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। राहुल ने गुरुद्वारा रोड से इंदिरा सर्किल तक पदयात्रा शुरू कर दी है। पदयात्रा के दौरान जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता द्वारका प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी द्वारका, किस तरह उत्साह नजर आ रहा है वहाँ कार्यकर्ताओं में, लोगों में, पदाधिकारियों में और नेताओं में? जी अभी ये देखा जाए कि राहुल गांधी का दौरा बहुत ही सराहनीय देखा गया है। आज पोतावली गाँव के अंदर राहुल गांधी ने पोतावली गाँव से पद यात्रा शुरू की थी, जो पोतावली से फिर सूरावली से अब ये सूरावली के अंदर जो यात्रा पदयात्रा का वो उनका पब्लिक को संबोधित